सीसीटीवी रिकॉर्डिंग की गहन जांच और अपने विश्वस्त सूत्रों की मदद से तहसील पुलिस ने कई मामलों में वांछित चोर को धर दबोचा। आरोपी का नाम कोलबा स्वामी लाइब्रेरी के पीछे टिमकी निवासी सुरेंद्र उर्फ कल्लू लीलाधर होले बताया गया है। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर 3 दोपहिया वाहन समेत 60,500 रुपए का माल जब्त किया है। तहसील पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक कल्लू पर शहर के विभिन्न थानों में 14 मामले दर्ज है। इनमें से 10 मामले अकेले तहसील थाने में हैं, जबकि नंदनवन, लकड़गंज, अंबाजरी और हुडकेश्वर में एक एक मामला है। खास बात है कि इनमें से 6 मामलों में वह नाबालिग आरोपी है। तहसील पुलिस नाल साहब चौक से चुराई गए 2 पहिया वाहन की जांच करते हुए कल्लू तक पहुंची। भांडेवाड़ी पारडी निवासी नागेश अमर सिंह सोनेकर ने 22 अगस्त को अपना 2 पहिया वाहन सुबह करीब 9:30 बजे डॉक्टर फुलारे के दवाखाने के सामने शिल्पा मेडिकल स्टोर्स के पास खड़ा किया था। दोपहर करीब 2 बजे लौटने पर नागेश को अपना वाहन नहीं दिखाई दिया। आसपास तलाशने पर भी जब वाहन नहीं मिला तो तहसील पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। मामला दर्ज होते ही पुलिस ने जांच शुरू कर दी। नागेश की शिकायत के आधार पर परिसर के सारे चौराहों पर लगे सीसीटीवी कैमरों के अलावा लोगों के घर लगे निजी कैमरों की भी रिकॉर्डिंग जांची गई। रिकॉर्डिंग में कल्लू से मिलता जुलता युवक चोरी करता दिखा। पुलिस ने अपने खबरियों को काम पर लगा दिया और संदेह सही साबित हुआ। कुछ ही दिनों में कल्लू को भी हिरासत में ले लिया गया। कड़ी पूछताछ में उसने नागेश के वाहन के चोरी की कबूली दी। अधिक सख्ती से पूछने पर उसने 2 और 2 पहिया वाहन चोरी की बात बताई। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर 3 दोपहिया वाहन समेत 60,500 रुपए का अन्य सामान भी जब्त किया गया। अधिक जांच में पता चला कि कल्लू सकरदरा के एक पान ठेले में चोरी के आरोप में फरार था। वही उस पर तहसील के अलावा अन्य थानों में भी मामले हैं। वह नाबालिग उम्र से ही चोरियां कर रहा है। पुलिस स्टेशन तहसील अंतर्गत नालसाब चौक में फिरियादी नागेश अमर सिंह सोनेकर उम्र 25 साल मुकाम पारडी एक कुछ मार्केटिंग के लिए आए थे। उन्होंने अपनी सुजुकी गाड़ी MH 49BD 4171 नालसाब चौक के रख के दुकान में गए। खरीदी करने के बाद जब उस जगह पे आए तो उनको गाड़ी दिखी नहीं। उसके रिपोर्ट पे पुलिस स्टेशन तहसील में अपराध नंबर 791/21 कलम 379 IPC के मुताबिक दर्ज किए। हमारे अधीनस्थ हमारे तपासी पथक ASI दुबे, हेड कांस्टेबल प्रदीप सोनटक्के और स्टाफ पेट्रोलिंग कर रहे थे, तब उनको कल पुराना पुलिस स्टेशन का रिकॉर्ड का गुन्हेगार जो कई वाहन चोरी में जिसका सहभाग था वो सुरेंद्र उर्फ कल्लू लीलाधर होले उम्र 20 साल कुलबा स्वामी वाचनालय के पास टिमकी है, उनको संशयास्पद स्थिति में मिला। उसके पास चोरी गई हुई सुजी की गाड़ी मिली जो तुरंत जब्त किए और उसको उस गुंडे में अटक करके उसको पूछताछ करने के बाद पुलिस स्टेशन तहसील में अपराध नंबर 811/21 कलम 379 में एक एक्टिवा गाड़ी चोरी गई थी जिसका नंबर MH 49W 6283 था। वो उसने चोरी चुराया करके कबूल किया। साथ में ही उसने पुलिस स्टेशन यशवंत नगर की हद्दी में अपराध नंबर 26/2021 कलम 379 IPC में दर्ज एक्टिवा गाड़ी MH 49M 0784 ये भी गाड़ी चुराने की वारदात कबूल किया है। अभी तक आरोपी सुरेंद्र लीलाधर होले इसके पास से 3 गाड़ी जब्त किए जिसकी कीमत 60,500 रुपये है, और जबकि ये पुराना रिकॉर्ड दर्ज गुन्हेगार है इसको अभी अटक करके विद्यमान कोर्ट में पुटअप करके और हमें होप है कि और गाड़ियाँ इनके पास से रिकवर होंगे। अभी फिलहाल पुलिस तपास चालू है, आरोपी पुलिस के अरेस्ट में है।